सो गाइज यहाँ पर देखेंगे जेड का 16 वीडियो और क्लास है आप लोग का 795। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर जो पहला वर्ड है फ्रेंड्स वो है आप लोग का जोनिक। जोनिक भी होता है फ्रेंड्स पशु संबंधी या पशु से संबंधित, आप लोग समझ सकते हैं JOONIC। दूसरा वर्ड फ्रेंड जूनाइट। जूनाइट भी होता है पशु के अंग का भाग। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर पूरा लिख लीजिएगा पशु के अंग का भाग JOONITE। जूनामी तो आप लोग जानते ही हैं, जूनामी में होता है प्राणी जीवन के नियम। और जूनोसिस भी आप लोगों को पता है, जूनोसिस में होता है फ्रेंड्स पशुओं में कीड़े फतिंगों से आया हुआ रोग, उसको बोलते हैं जूनोसिस JOONOSIS। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स जो कि जुपैथोलॉजी। जुपैथोलॉजी में होता है पशुओं के रोगों की विद्या। और जू फागम तो आप लोग जानते ही है, जू फागम में होता है मांस भक्षक पशु। ओके और फ्रेंड्स मांस खाने वालों को इंग्लिश में बोलेंगे जूफागस JOOPHAGOUS। चलिए फ्रेंड्स एक बार और रिपीट करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर जो पहला वर्ड है फ्रेंड्स वो है आप लोग का जोनिक पशु संबंधी। जूनाइट बताया आप लोग को पशु के अंग का भाग। जूनामी बताया आप लोग को प्राणी जीवन के नियम। जूनोसिस होता है पशुओं में कीड़े फतिंगों से आया हुआ रोग। जूपैथोलॉजी होता है आप लोग का पशुओं के रोगों की विद्या। जूफागन बताए हैं मांस भक्षक पशु और मांस खाने वाला को जूफागस। चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों से जेड का 17 वीडियो में। नमस्कार।